यहाँ पे मैंने बात की लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मेरे पास क्या है? बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब हाउ ए क्वांटिटी मे ग्रो क्विकली फास्टर एट फर्स्ट, कि किसी तरह मेरे पास एक क्वांटिटी जो कि तेज़ी से जो है वो बढ़ती है और फिर उसके बाद जो है वो गिर जाती है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कैन बी अप्लाई टू ए पॉपुलेशन दैट आर लिमिटेड बाई द फूड। इट मीन्स कि अगर आपके पास किसी भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो मेरे पास इन्वायरमेंट में कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हैं जो कि उस इन पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है। तो मेरे पास इन्वायरमेंट के अंदर एक कैरिंग कैपेसिटी, इट मीन्स कि इन्वायरमेंट किसी भी पॉपुलेशन को अपने अंदर या कोई भी पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर रहती है उस एक स्पेसिफिक लाइन तक, जहाँ तक हम लोग कहते हैं कि विदाउट ए नेगेटिव इम्पैक्ट टू ए गिवन ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पास क्या है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रही। इट मीन्स कि एक मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू या कैरिंग कैपेसिटी है कि यहाँ तक मेरे पास वो जो इन्वायरमेंट है उस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है। अगर उस लाइन से पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है तब उस केस में मेरे पास इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, मतलब वो पॉपुलेशन किसी अदर स्पीशी पे या किसी अदर रिसोर्स पे या किसी अदर फैक्टर्स पे वो अफेक्ट कर रही है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स दी कैरिंग कैपेसिटी। आगे वो फर्दर बात कर रहे हैं कि उस कैरिंग कैपेसिटी के अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो अगर लाइन जो है वो मेरे पास कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर ग्राफ जा रहा है तो इट मींस पॉपुलेशन जो है वो मेरे पास क्या है, टिपिकली डिक्रीज़ हो रही है, और अगर उसके बिलो जा रहा है इट मींस पॉपुलेशन जो है वो मेरे पास इंक्रीज़ कर रही है। और ऐसा फैक्टर के जो मेरे पास क्या है पॉपुलेशन साइज़ को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखता है उसको मैं क्या कहूँगी, वो मेरे पास क्या है, रेगुलेटिंग फैक्टर है। सो दीज आर दी बेसिक डेफिनेशंस हियर विच आर अबाउट सम पॉपुलेशन डायनेमिक्स, व्हाट इज़ दी पॉपुलेशन डायनेमिक्स, व्हाट इज़ दी डेंसिटी डिपेंडेंट यू कैन से हाइपोथेसिस, एंड व्हाट इज़ दी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट।